पेज में, तभी मैंने बोला कि इनके पास सारे पर्पल कलर भी है। कुछ भी करो आप, बस कुछ भी वहाँ से पोज देना, बैक
क्या दिक्कत पता क्या आ रही है बैकग्राउंड कवर नहीं हो रहा है पोस्ट में वो टैगर सबसे पहले ही तो सिंड्रेला लुक मेघा क्या कहना चाहूँगी कितना एंजॉय कर रही है ये लोग आप बहुत ज़्यादा एक्चुअली हम सोचे कुछ और थे स्टार्टिंग में प्लान दूसरा था लेकिन उसामा ने सरप्राइज़ कर दिया ये नया ड्रेस दिखा के ही वॉन्टेड दिस बारबी लुक और आई वुड से इट्स अ प्रिंसेस लुक आई मीन बारबी इज़ बारबी विद दिस इज़ अ कम्प्लीट प्रिंसेस लुक है ये और आज ही मैं सुबह मेट गाला के इतने सारे लुक्स देख रही थी और मुझे लग रहा था कि कैसे एक्ट्रेसेस इतनी हैवी ड्रेसेस कैरी करती हैं एंड आई मीन यू विल सी इतना लंबा गाउन है बहुत प्रिटी है और आई डू फील लाइक अ प्रिंसेस सो दिस फर्स्ट टाइम यू आर कैरिंग लाइक दिस यू नो यस दैट्स ट्रू यू नो ये मैनेज करना कैसे कितना डिफिकल्ट हो रहा है नॉर्मली चलना तो काफ़ी इम्पॉसिबल है आपको काइंड ऑफ एक आर्मी चाहिए पीछे इतना बड़ा ये फॉल उठाने के लिए लेकिन एट द सेम टाइम इसमें आते ही आपको ये जो फ्लोरल इफेक्ट्स है ना यहाँ पे आपको एक सॉफ्टनेस एक प्रिंसेस वाली फीलिंग ही आ जाती है इमीडिएटली सो यस आई फील ग्रेट ओके सो आउटफिट और ज्वेलरी के बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत बता दीजिए जी एज यू कैन सी मिंट पेस्टल शेड का आउटफिट है और इसमें बहुत फ्लोरल वर्क है आई थिंक समर लुक्स के लिए परफेक्ट है इट्स हैवी बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट हमारा जो यूजुअल डार्क कलर्स को हम प्रेफरेंस देते हैं ट्रेडिशनल में या यू नो इवेंट्स के वक्त आजकल वैसे भी पेस्टल्स का ट्रेंड चल रहा है तो इट्स अ वेरी नाइस पेस्टल एम्ब्रॉयडर्ड विथ बहुत सारे लेयर्ड कैन है अंदर तो आपको अगर रेड कारपेट पे चलने वाली फीलिंग चाहिए तो आई थिंक ये वही लुक है एंड हेयर एंड मेकअप के लिए हमने थोड़ा यूजली मेरे हेयर बहुत स्ट्रेट है तो हमने कोशिश किया कि थोड़ा टेक्सचर चलेगी ना सुबह तक अब सुबह तक चलना चाहिए
फ्लेयर बनाते हो स्टार्ट।